हाय एवरीवन, एमडशत में आपका स्वागत है। तो आज हम एआई की मदद से कुछ क्वेश्चन आंसर निकलने के लिए ट्राई करेंगे। स्कूल से लेकर यहाँ पर डिग्री लेवल तक कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, उनको हम ट्राई करने वाले हैं कि कैसे हम उसका आंसर निकल सकते हैं, यानी जो चैट जीपीटी है उसके मदद से हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है क्योंकि इसमें हमने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, चाहे आपका इंग्लिश ग्रामर हो या यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। तो वीडियो जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो देखना आपको लास्ट तक। चले यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आप किसी भी एक ब्राउजर से गूगल को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है चैट जीपीटी। जी हाँ, आपको इस तरह से आपको सर्च कर दीजिए। सर्च करते ही यहाँ पर हमें इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, या तो मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप इजीली से विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो ऑप्शन पहले वाले जो वेबसाइट आएंगे उस पर हमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो नीचे आप बॉक्स में एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ट्राई चैट जीपीटी। जी हाँ, इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट मरते हो तो आपको लॉगिन करने के लिए कह जाएगा, तो इधर से आप लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नीचे आप सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कुछ फर्स्ट जो इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश ग्रामर से हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक सर्च करना है। देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश एक यहाँ पर वर्ड या फिर यहाँ पर सेंटेंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर चुका। मैं चाहता हूँ कि इसको हम ट्रांसलेट करना है किसी भी लैंग्वेज पर, हमें ट्रांसलेट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एवरीबॉडी विल बी वेटिंग फॉर यू। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आप किसी भी लैंग्वेज पर अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमें उर्दू कोमा यहाँ पर आपको ये जो वर्ड आपने लिखा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी उससे पहले आपको उर्दू कोमा इसको इस तरह से देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, आप किसी भी लैंग्वेज पर अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सिंबल से लिखना है ट्रांसलेट। आप किसी भी लैंग्वेज पर अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इधर से आपको लिख देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी ट्रांसलेट इन हिंदी आपको कर देना है। यहाँ पर करने के बाद आपको सर्च कर दीजिए। सर्च करते ही यहाँ पर आपको शो जाएगा, देख सकते हैं कि हर कोई आपका इंतजार करेगा। तो ये जो सेंटेंस है इसको सेंटेंस का आप इधर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए मैं और एक सेंटेंस यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर ट्राई किया कि उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेंड कर लेते हैं। देखते हैं, व्हाई डू यू गेट एंग्री समटाइम्स। सो यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप गुस्से क्यों करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस इस वजह से हमें उर्दू में ट्रांसलेट कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम एक बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं, उसका क्या आंसर हमें निकलता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सर्च किया, व्हाट डू यू मीन बाय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है वो एक्चुअली क्या है, उसके आंसर कैसे देते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं उसका बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज वन, या आपको इधर से आपको आसान तरीके से आपको समझा देगा, आसान तरीके से आपके लिए के यहाँ पर आर्टिकल ही लिख देगा कि कैसे आपको जो टिश्यू सिस्टम के बारे में अगर आपको लिखना है तो कैसे लगते हैं। मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन बाय एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो टिश्यू सिस्टम के बारे में हमें इजीली से समझा दिया। आप इजीली से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, अपने विश्लेषण से हमें समझा दिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। आप बात करते हैं कि मैं और एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं कि उसका आंसर हमें कैसे देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पूछना थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के आंसर हमें कैसे देता है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर कितने कार्बन ले चुका हूँ। यहाँ पर CH3 एक कार्बन है, टू यानी यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने कार्बन ले चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो कार्बन मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ उसका नाम यहाँ पर निकलने वाला है कि यह IUPAC जो नेम है, यानी इसको हम सर्च करने वाले हैं, व्हाट इज
व्हाट इज आई यू पी ए सी नेम, यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाट इज आई यू पी एस सी जो नेम है, आप जानते हैं अगर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आप इसे समझते हैं कि इसमें क्या नाम आते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके एक्चुअली में नाम क्या आता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको इजीली से समझा दिया कि एक्सेल जो आई यू पी एस नेम है वो नेम किस तरह से आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-chloro-3-methyl-pentane, आप जानते हैं कि पेंटेन किस लिए आ चुका है क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, आप जानते हैं कि जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी अगर यह 5 कार्बन होगा तो इसमें इजीली से पेंटेन हो जाएगा। आप कहते हैं कि 2-chloro किस लिए आ चुका है, आप जैसे कि जानते हैं कि 1 नंबर क्लोरो के साथ, यानी वो जो सीरियल नंबर है उसके साथ यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन पर ही यहाँ पर क्लोरो आ चुका है, यानी क्लोरिन आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें 2-chloro कह चुका है। और जो 3-methyl है, आप जैसे समझते हैं कि 1, 2, 3 नंबर जो यहाँ पर चेन है उसके अंदर ही यहाँ पर कार्बन यानी मिथाइल आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3-methyl आ चुका है। पेंटेन इसलिए आ चुका है कि इसमें 5 कार्बन है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 1 कार्बन होगा तो मिथेन होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो होता है वो इसलिए से आपको समझा दिया। इसमें विश्लेषण के साथ आपको समझा दिया कि किस वजह से ये जो हम 2-chloro-3-methyl-pentane कह रहे हैं किस वजह से कह रहे हैं वो इधर से हमसे यहाँ पर हमें समझा दिया कि किस कहाँ से हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड से काउंट करना है या राइट साइड से काउंट करना है वो इधर से हमें यहाँ पर समझा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऑर्गेनिक मैंने क्वेश्चन पूछा इधर से हमसे समझा दिया। अब हम और एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करेंगे, यानी जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, देखते हैं उसका आंसर हमें कैसे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख चुका हूँ साइन 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, एक क्लास 10 का क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर टाइप किया। इसका हम देखते हैं एक्सेल के जो नंबर आता है वो नंबर क्या होता है। चलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सेंड किया, सेंड करते हम देखते हैं कि इसके एक्सेल कैसे हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देता है। आप जैसे कि जानते हैं कि जो साइन का मान होता है, कॉस का मान होता है, यानी जो डिग्री है डिग्री के हिसाब से हमें कुछ मान दिया जाता है। आप इसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साइन 60 डिग्री, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री, और इसका जो टोटली मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे हम निकल सकते हैं इधर से यहाँ पर हमें समझा दिया, देख सकते हैं किस तरह से आपको ये मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल की तरफ से समझा दिया कि साइन ए प्लस बी तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी, आप जैसे कि जानते हैं प्लस कॉस ए साइन बी, ए आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें समझा दिया। यहाँ पर हमें इधर से समझा दिया एग्जाम्पल की तरफ से, देख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 डिग्री, यहाँ पर इसका मान क्या होता है आपको यहाँ पर समझा दिया कि इसका जो एक्चुअली आंसर है वो आंसर होगा 1। किस लिए 1 होगा ये हमें एग्जाम्पल की तरफ से समझा दिया। तो देख सकते हैं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो इधर से हमें समझा दिया। हम और एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी जो मैथमेटिक्स का ही और एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं उसका एक्चुअली आंसर हमें कैसे देता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 tan 30 degree डिवाइडेड 1 minus tan square 30 degree, ये जो मैंने यहाँ पर सर्च किया इसका एक्चुअली मान क्या होगा, यानी इसका हमें नंबर निकालना है, इसका आंसर हमें क्या होगा वो हम देखते हैं। इसका हम यहाँ पर इजीली से सेंड कर लेते हैं।
हिस्ट्री यहाँ पर आपको मौजूद रह जाएगा। आप आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।